हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं की सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है गणित। गणित के विषय में आज बात करेंगे। आज हम इसमें अध्याय 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है घातांक, जो आपको बहुत ही परेशान करता है। तो सबसे पहले हम घातांक क्या होता है ये समझ लेते हैं। घात, जैसे आपने पिछले पिछले क्लास में पढ़ा होगा, स्क्वायर निकालना, जैसे 2 का स्क्वायर निकालते थे तो आता था 4, वैसे 3 का स्क्वायर निकालते थे तो आता था 9, वैसे 10 का स्क्वायर निकालते थे तो आता था 100, है ना। तो वैसे ही जब जब हमको ये दिया रहता है कि जब बोलता है हम लोग को स्क्वायर निकालने के लिए, तो हम तो उसमें घात 2 लगा देते हैं। यही जो घात है, इसकी इसी का और ऑपरेशन होता है। इसके लिए हमें इसका जोड़ना, घटाना, गुना, भाग कैसे होता है घातों का, उसके बारे हम सब जानेंगे। उसी को हम घातांक कहते हैं। अब इसमें से जैसे मैं 10 की घात 2 लिखा हुआ हूँ, बोलते पढ़ते हैं ऐसे हैं 10 की घात 2, या फिर 10 to the power 2 पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें जो 10 है, इसमें जो 10 है, इसको बोलते हैं आधार। 10 को क्या बोलते हैं? आधार। और इसमें जो 2 लिखा हुआ है, 2, इसमें जो 2 है उसको बोलते हैं हम लोग पावर। पावर को ही बोलते हैं घात, ठीक है। तो इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 की घात 3 हो सकता है, 10 की घात 5 हो सकता है, 10 की घात 9 हो सकता है, 10 की घात 100 हो सकता है, 10 की घात कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका ऑपरेशन करते कैसे हैं। जैसे 10 की घात 101 भी हो सकता है, कुछ भी घात हो सकता है, कुछ भी घात, ठीक है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं। यह सब आपको बहुत ही परेशान करता होगा, लेकिन हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पाठ में दिया हुआ है, एक बक्सा बक्सा दिया हुआ है, उससे सबसे पहले छोटा बक्सा दिया हुआ है, उसके बाद उसके नीचे में एक और बक्सा दिया, उसके ऊपर में एक और बक्सा दिया हुआ है, फिर उसके ऊपर में एक और बक्सा दिया हुआ है, ऐसे कर करके बक्से दिए गए हैं हमें, ठीक है। तो सबसे छोटा बक्सा को क्या लिखे हैं इन लोग? सबसे छोटा बक्सा का नाम लिखे हैं 2। तो उससे 2 गुना है ये वाला बक्सा, तो इसको लिखे हैं 2 × 2, यानी कि 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा करके हमें 7 बक्से बनाए गए हैं। तो इसमें लास्ट बक्से का नाम लिखा गया है 2 की घात 7। लास्ट बक्से का नाम कितना लिखा गया है? 2 की घात 7, जैसे इसमें दिखाएगा अभी। जैसे छोटे बक्से का नाम लिखा है 2 की घात 1, तो उससे लिखेंगे 2। वैसी 2 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, 2 की घात 2 को क्या लिखेंगे? 2 × 2। वैसी 2 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। वैसी 2 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 × 2 × 2 × 2। वैसी 2 की घात 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार गुना 2 का। वैसे 2 की घात 6 को लिख सकते हैं 2 का 6 बार गुना, और 2 की घात 7 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 का 7 बार गुना। तो इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे 2 की घात 1 तो आपको आसानी से पता है 2 होता है, तो 2 की घात 2 कितना होगा? 4। 2 की घात 3 कितना होगा? 8। 2 की घात 4 कितना होता है? 16। 2 की घात 5 कितना होता है? 32। 2 की घात 6 कितना होता है? 32 का 2 गुना, 64। 2 की घात 7 कितना होता है? 128। तो आपको ये पूछेगा कि 7वें बक्से में कितने मोती होंगे। इसमें दिया हुआ है मोती के बारे में, मोती भरा हुआ है, तो एक बक्से में पहले 2 मोती रखे थे, उससे फिर 2 गुना मोती रखे थे, तो 7वें बक्से में कितना मोती आएगा? 128 मोती आएगा, ठीक है। 7वें बक्से में कितना मोती आएगा? 128 मोती आएगा। जैसे वही लिखा हुआ है, 7वें बक्से में कितना मोती आएगा? 2 की घात 7, जो कि 128 होता है। अब ऐसे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है करके देखने के लिए। अब इसमें क्या लिखा है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतने किलोमीटर है, 15 गुणित जितने दिया हुआ है उतना किलोमीटर है, तो उसे 10 की घात के रूप में व्यक्त करना है। तो ये तो एकदम आसान है। अपन कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहली उस संख्या को छोड़ देना है। जैसे पहले हमको जितने कितने जीरो हैं ये काउंट करना है, तो इसमें कितने जीरो हैं देख लेते हैं। 1, 2, 3,
4, 5, 6 और 7 जीरो हैं, तो उसको 10 की घात में कैसे लिखना है, इस संख्या को छोड़ देना है और बाकी जितने भी जीरो दिख रहे हैं उसको 10 की घात में लिख देना है। जैसे इसको लिखूंगा मैं 15 गुणित 10 की घात 7, क्योंकि इसमें कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं, 7 जीरो है, तो इसका घात कितना हो गया, 7। जैसे इसमें और दिया रहता हम लोग को 13 गुणित 1300, 1300 को कैसे लिखते हैं, है ना, तो 13 गुणित क्या लिखता, कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 10 की घात 2, ठीक है। और इसमें 1 जीरो और बढ़ाता तो इसमें लिखता 10 की घात 3, 1 जीरो और बढ़ाऊंगा तो 10 की घात 4, 1 जीरो और बढ़ाऊंगा तो 10 की घात 5, 1 जीरो और बढ़ाऊंगा तो 10 की घात 6, ऐसे कर करके हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसे अब 13 गुणित 13 के साथ और जीरो लगा दिया, 3, 4, 5 ठो जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके वैल्यू को कितना होगा, 13 गुणित 10 की घात 5, ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ और दिया हुआ है, देखिए इसका आंसर क्या आएगा आप बताएंगे क्या, इसका आंसर तो हम लोग एकदम आसानी से वो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ तो 5 लिखा गया है ना, तो इसको हल करके देखना है, 5 गुणित 1, 2, 3, 4, तो इसको भी लिख सकते हैं 3 की घात 4। इसका आंसर वैसे हम लोग गुना भी करके निकाल सकते हैं, है ना, तो 3 की घात 4 भी लिख सकते हैं, और 3 की घात 4 कितना होगा, 3 का 4 बार मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 3 27, और 27 3 कितना होगा, 81, यानी कि 81 × 5 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना है, 5, और 8 × 5 कितना होगा, 40, तो इसका आंसर आएगा 405, ठीक है। और वैसे इसका आंसर हम लोग बाद में निकालेंगे, इसका आंसर होगा क्या। तो अब हम घातांक के कुछ नियम जो दिए हुए हैं उसको पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी नियम है। पहले पहले आता है गुणा का नियम, उसके बाद आता है भाग का नियम, तो पहले दोनों नियम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गुणा के नियम क्या बोलते हैं, मैं देखिए 1 की घात m × 1 की घात m = 1 की घात m·n, यहाँ पर लिखा हुआ है a एक वास्तविक संख्या है, क्या लिखा है, a एक वास्तविक संख्या है, a को हम लोग कौन क्या मानते हैं, एक वास्तविक संख्या मानते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका उपयोग हम गिनती में करती हैं। जैसे कि a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, a को स्टार्ट करूंगा मैं, एक 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। अच्छा इसमें बताओ, जीरो का उपयोग हम गिनती में करते हैं क्या, नहीं करते हैं, जब भी हम गिनना चालू करते हैं तो 1 से चालू करते हैं, ना कि जीरो से करते हैं। अब इसमें आपकी मर्जी है कि आप जीरो से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली 1 से ही चालू करते हैं गिनना। अब ऐसी अब m और n एक पूर्णांक है, m और n का मान क्या होगा, m और n जो है ना वो जीरो से चालू होगा, 0, 1, 2, 3 वहाँ से लेके इन्फिनिटी तक उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिसमें हम गिनती वाली संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब इसका ऑपरेशन कैसे होता है ये देख लेते हैं, इसका ऑपरेशन जैसे लिखा हुआ है 1 की घात m × 1 की घात n = 1 की घात m·n। जैसे अब देखिए यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, यानी कि मैं पहले आपको बताया था इसमें a क्या होगा आधार, और इसमें भी a क्या होगा आधार, और m क्या है इसका घात है, और n क्या है इसका घात है। जैसे हाँ तो क्या लिखेंगे, दोनों का घात, घात तो अलग अलग है लेकिन आधार क्या है, समान है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब दोनों का आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों का क्या है, आधार समान हो तो घात क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। इसका एग्जांपल बताता हूँ, जैसे लिखा मैं 2 की घात 3 × 2 की घात 2, तो इसको जोड़ के क्या लिखेंगे, देखिए इसका a का मान कितना है, 2 है, यहाँ पर भी a का मान कितना है, 2 है, तो ये दोनों संख्याएं समान हो गई लेकिन घात क्या है, अलग अलग हैं, 3 और 2 की घात हैं, एक जगह 3 घात है एक जगह 2 घात है, तो दोनों को जोड़ के क्या लिखेंगे, 2 × 3 + 2 यानी कि
आंसर आएगा 2 की घात 5। बस यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकता है, यहाँ 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 2 ही होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकता है, लेकिन इसका आधार सेम होना चाहिए, तभी वे घात आपस में जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, वैसे इसमें भाग का भी नियम दिया हुआ है। भाग का नियम क्या है? जैसे मैं लिखा 3 की घात 5 बटे 3 की घात 2, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम लोग ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, एक और 3 आएगा, 3 का 5 बार गुना, इसमें 3 का 2 बार गुना, तो 1 3 कैंसिल, इसका 1 3 कैंसिल, इस यहाँ 1 3 कैंसिल और यहाँ 1 3 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना बचेगा, 1 2 3, 3 का 3 बार गुना को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 की घात 3, तो इसमें इसका आंसर 3 की घात 3 आया। तो इसमें क्या बोला है, देखिए दोनों का आधार क्या है, समान है, तो घात क्या होंगे, जब भाग का नियम क्या बोलता है कि घात आपस में घट जाएंगे, तो 3 की घात 5 माइनस 2, 3 की घात 5 माइनस 2 यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 की घात 3 ही आएगा। तो दोनों आंसर दोनों तरीके से हम कर सकते हैं और दोनों आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हैं। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक और एग्जांपल में क्या लें, जैसे मैं लिया 5 की घात 4 गुणित 3 की घात 4। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग भाग का नियम लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आधार क्या है, अलग अलग हैं। जब आधार क्या है ना, सेम होना चाहिए, इसका आंसर मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको सिर्फ ऐसे ही लिखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, इसमें मैं भाग का नियम नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसमें आधार अलग अलग हैं। जब आधार सेम रहता, यहाँ भाग का नियम लगाने के लिए क्या करना पड़ता मेरे को, यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, तभी ये नियम लगेगा, नहीं तो फिर नहीं लगेगा। तीसरा नियम क्या बोलते हैं, घातों के घात का नियम। अच्छा, घातों के घात का नियम क्या बोलते हैं, जैसे मैं लिखा 2 की घात 3 की घात 2, ऐसे आ गया है ना, तो इसको हल करके देखते हैं क्या आ गया। 2 की घात 3 कितना होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2, इसका मतलब तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 की घात कितना होता है, 8 का घात 2 कितना होगा, 64 होगा। वैसे ही अब देखिए घातों के घात का नियम क्या बोला है, ये ए हो गया, ये एम हो गया और एन हो गया, ए ये ए हो गया, ये एम हो गया और एन हो गया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो 2 की घात 3 कितना होगा, ए 2 की घात, इसको दोनों को क्या करना है, आपको गुना करना है, 2 गुणित 3 गुणित 2 यानी कि कितना आएगा, 2 की घात 6, और 2 की घात 6 भी कितना होता है, 64 ही होता है, 64 ही होता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये डाउट आएगा यहाँ पास, ये तो मैं लिख दिया है ना, यदि ऐसे आ गया 5 की घात 2 और 5 की घात 2, ठीक है, 5 की घात 2 की घात 2, ठीक है, 5 की घात 2 कितना होगा, 25, अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ m और n दोनों बराबर हैं, तो इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है, m और n बराबर हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 की घात 4, अब 5 की घात 4 लिखेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, तो 5 5 हो गए 25 और ये भी हो गया 25, और दोनों 25 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 625। ठीक है, चौथा, अब चौथा नियम क्या बोलता है, चौथा नियम ये है, जैसे दिया हुआ है ए बी की पावर में एम बराबर ए की घात एम गुणित बी की घात एम, जैसे मेरे को दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 15 की घात 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसका हम लोग गुणनखंड निकालने आता होगा, गुणनखंड मतलब वे संख्याएं जिसमें उसके सिर्फ प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या से बना हुआ होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग वे एक ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होती हैं या तो खुद उसी संख्या से डिवाइड होती हैं, उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 5,
कि घात तो हाँ या ना। 5 तिया, देखिए 15 को 3 गुणित 5, 5 तिया 15 गुणित 2 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2, ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब 3 की घात 2 कितना होगा? 9। और 5 की घात 2 कितना होगा? 25। और 25 9 कितना होता है? 225। तो इसका आंसर कितना आएगा? 225। और 15 का स्क्वायर भी कितना होता है? 225। ठीक है, यहाँ पास कुछ भी हो सकता है। यहाँ 18 लिख दिया तो इसको लिए 2 गुणित 9 लिख सकता हूँ। जैसे 18 लिख दिया तो क्या लिखूँगा मैं? 2 गुणित 9। जैसे यहाँ 18 लिख दिया तो 18 को क्या लिखूँगा? 2 गुणित 9। अब 2 गुणित 9 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 2 गुणित, यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 9 की घात 2। ठीक है, बस ऐसा करके हमको हल कर लेना है आसानी से। ठीक है, अब 5वां नियम, a/b बराबर a/b। इसको कैसे हल करेंगे भाई? जैसे यहाँ दिया हुआ है 5 और यहाँ दिया है 2, दोनों की घात में कितना दिया हुआ है मेरे को? m दिया हुआ है, यानी कि 4 दिया हुआ है, समझो। तो देखिए a क्या दिखा रहा है? a की जगह कितना है? 5 है। b की जगह कितना है? 2 है। m की जगह कितना है? 4 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 4/2 की घात 4, बस। और कुछ नहीं लिख सकते, इसको आसानी से हल कर सकते। लेकिन जैसे ऐसे आ गया 5 जैसे आ गया 9/3 की घात 2, तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, और 1/3 लिख सकते हैं। तो इसमें 1 3 1 3 तो ऐसे भी कैंसिल हो गया। अब बचा कितना? 2 घात में 2, तो 3 की घात 2 कितना आ गया? 9 ही इसका आंसर आ गया। तो बस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, a/b/m = a/m/b/m। 6वां नियम, a^0 = a^0, इसका वैल्यू सीधा देखिए, a^0 कितना होगा? सीधा 1 होगा। 1 1 कैसे कैसे आया? देखिए a^0 का अर्थ होता है a/m, देखिए a^m/a^n = कितना होगा? a^m-n होगा। जब आधार समान है तो घात आपस में घट जाते हैं, भाग का नियम ये है। और जब आधार अलग अलग हैं तो भाग तो क्या होते हैं? पावर एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, है ना। मान कि जब आधार अलग है तो पावर एक दूसरे में अलग अलग पड़ जाते हैं, लेकिन जब आधार सेम है तो पावर आपस में घट जाते हैं। लेकिन मैं इसके जगह m की जगह क्या लिख दूँ? n लिखूँ, यानी कि m का बराबर n कर दूँ। तो बराबर है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, दोनों का मान इक्वल है। तो m की जगह मैं m भी लिख सकता हूँ, m की जगह मैं n भी लिख सकता हूँ। तो m-m कितना होगा? 0। और 1^0 का मान कितना होगा? 1। इसमें हमको कोई भी डाउट नहीं रखना है। जैसे हमारे पास आ गया, कोई भी संख्या आ गया, 13^0 आ गया, अरे चुपचाप कुछ नहीं सोचना है, इसका आंसर रहेगा 1। 15^0 आ गया, 1, कुछ भी लिख दिया, जैसे इसका आंसर आएगा 1। जैसे लिख दिया मैं 16^0, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी, जैसे आपका नाम भी आ गया, नेम के ऊपर में 0 0 आ गया, तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो एनी कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर, उसका मान कितना होगा? 1। चाहे वो 1,000 हो, 2,000 हो, 2,000 की पावर में 1 हो, 2,000 की पावर में कुछ भी, 2,000 की पावर में 0 हो, 5,000 की पावर में 0 हो, 6,000 की पावर में 0 हो, 13 की पावर में 0 हो, कुछ भी हो, 2 की पावर में 0 हो, उसका वैल्यू कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है? अच्छा, ये 7वां नियम हमको बहुत ही परेशान करता है। a^m = क्या लिखा है? 1/a^-m लिखा हुआ है, या फिर a^-m = 1/a^m लिख सकते हैं। इसको कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे मैं लिखा 2^5,
इसको मैंने ना हल करके ना नीचे में लाना है, नीचे मतलब बट्टे वाले में लाना है, तो इसको क्या लिखूंगा, 1/2 की घात -5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 2 की घात -5 दिया हुआ है यहाँ, अब इसको लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 की घात 5 को सीधा ऊपर में लेके जा सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई 2 की घात 5 ऊपर में लेके जा सकता हूँ। जैसे 3 की घात -3 दिया हुआ है, तो इसको नीचे में कैसे लेके जाऊँगा, 1/3 की घात 3 हो जाएगा, ये माइनस है ना वो हट जाएगा, उसके बदले में ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं ना, इधर उधर चेंज कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है, देखिए ये होता कैसे है, ये थोड़ा सा मैं समझा दूँ, इसको हम लोग किए कैसे हैं या फिर ये आया कैसे है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1e m, देखिए यहाँ पर 1e m और 1e m लिखा हुआ है, तो इसको मैं यदि ट्रांसफ़र करूँ इधर, तो इधर तो ये किस में है, भाग में है, तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में, तो 1e m होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, तो 1 लंब को लाना है, तो कैसे आएगा, ये देखिए आधार क्या है इसके, आधार क्या है इसके, समान है, आधार क्या है इसके, समान है, तो घात क्या होंगे आपस में, घात क्या है आपस में, जुड़ जाएंगे, तो कितने जुड़ेंगे, 1e m प्लस, और यहाँ पर -m है तो -m। अरे अब देखिए m + -m कितना होगा, m ये प्लस और माइनस का जो गुणा होता है, प्लस और माइनस का जो गुणा होता है, एक आध दिन मैं आपको चिन्ह के बारे में बताऊंगा, चिन्ह का गुणा भाग हम लोग कैसे करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा कि इसका गुणा भाग हम लोग कैसे करते हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, ये देखिए m और -m, प्लस और माइनस का गुणा करने से क्या आएगा, माइनस, तो m - m आएगा, तो m - m कितना होता है भाई, 0। तो अभी क्या पढ़े थे, 1e0, कोई भी आया तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, नहीं समझ में आया तो एक बार दो बार देखिए इसे और समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।